Shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine. In favor, President Donahue, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Sabutinde, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Judge Adhakto Day. Against, Vice President Judge Shwe. वर उब्रक्यातोज़ा ने मिलत इस्लाम आप तमाम मती को अबू फजल की तरफ से सलाम उड़ दें घर में बढ़ी पड़ता नशी नज़्दार मोर बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम उर्दे बहल केफ आपने ये सुना कुछ तैतीस सेकंड का यू यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट बोलिए आप इंटरनेशनल कोर्ट के ये चीफ जस्टिस ग्रैंड लॉम्स गुनी का ये फैसला आपने सुना ये फैसले ये लोग जब हम मुसलमानों को तबाह तारास किया जा रहा था चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे सीरिया हो चाहे लीबिया हो जिस तरीके से हमारे ऊपर बमबारी की जा रही थी हमारी मासूम बच्चों के जाने और चित उड़ रहे थे जब इनको दर्द नहीं था जब इनको तकलीफ नहीं थी हमारे माए चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और वहाँ पे चीख कर मदद की दुहार लगा रही थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था कितने जाने गए कैसे खून बहते रहा इनको जब अफसोस नहीं था आप देखो यूक्रेन के ऊपर जिस जो बमबारी चल रही है हालांकि अमेरिका तो पहले से ही रशिया के ऊपर ऐसे पाबंदी आयद करा लेकिन उससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता रशिया एक ऐसा अजीम मुल्क था नाइन्टीज में नाइन्टी टू थाउजेंड तक भी एक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क रशिया था लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलके फ्रांस ने मिल ब्रिटेन ने मिलकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गुरबा चौफ के दौर में भी ताकतवर मुल्क था अभी भी है भाई वैसी बात नहीं है एक बता रहा हूँ मैं कि ये लोग अपना सिक्का और अपना रंग दिखाने के लिए रशिया को टुकड़े टुकड़े करे लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा रशिया फिर अपने पुराने शबाब पे आ गया पुराने रूज पे आ गया और उसने यूक्रेन के ऊपर ऐसी बमबारी की यूक्रेन तहस नहेज हो गया अब वहा पे खैर हम इसकी निंदा करते हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं। खून सबका खून है साहब, इंसानियत का खून है जो बह रहा है समझे हम इसके खिलाफ है ये चीज नहीं होनी चाहिए लेकिन ये लोगों का डर बता रहा हूं मैं जब इनके ऊपर आती है तो कितना जल्दी एक्शन लेते हैं ये लोग कितनी जल्दी ये लोगों को तकलीफ होती है यानी मुसलमान का खून खून नहीं रहता यानी ये बताना चाह रहा हूँ अगरचे रशिया के अलावा कोई मुसलमान रहता तो ये लोग क्या क्या बोल देते क्या क्या कर देते <coughs> 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 बहर के मैं आप लोगों को ये बता दूं ये कहे है इन्होने के जल्द से जल्द रशिया ये खत्म कर देना खत्म नहीं करा तो नडो के जितने देश है ना उसके ऊपर बमबारी करेंगे उसके ऊपर हमला करेंगे और रशिया को जवाब देंगे ये कहना था उनका और सबको सावधान भी कर दिए, सबको बता भी दिए। अगर से इसने नहीं रोका तो तुम लोग तुम्हारी ताकत इस्तेमाल करने के लिए पीछे मत हटो यानी कौन बोल रहा है देखो ये ये इंटरनेशनल कोड बोल रहा है साहब इंटरनेशनल कोड बोल रहा है ये ये लोगों की क्या है मालूम है जब इनके ऊपर आता है ना और आप लोगों को ये भी याद दिलाता चलू जबकि हर वीडियो में याद दिलाता हूँ मैं जबकि ये खिलाफ हूं मैं इस चीज के कि जो कुछ भी हो रहा है यूक्रेन के ऊपर गलत हो रहा वहां पे मासूम जाने जा रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है वहां की सरकार वैसी थी गलत नीतियों की वजह से गलत तकबर गलतर की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा इसकी जिम्मेदार सीधे सीधे वहां की यूक्रेन की सरकार है ये वही यूक्रेन है सबसे पहले इराक में बमबारी करने वाले यूक्रेन के तैयारे थे तैयारे बोले तो उसके प्लेन थे और लीबिया में सबसे पहले ची हुजूरी में था भाई इन्हें और अपने आप को एक ऐसा कर दिखा रहा था इन्हें लेकिन ये सब चार दिन चला अब देखिए कहाँ आके पड़े हुआ है आज लोगों से भीख मांग रहा है अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती ये कमजरफे क्यों नहीं समझते हर चीज़ का अंत है हर जालिम का खातिमा है तय है ये चीज बहरहाल हम तो दुआ करेंगे कि किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया में मसला हल हो जाए हालांकि अभी यूक्रेन ने सारे उसकी शर्तें जो है रशिया की वो मान चुका है छक मरा के मानना पड़ता था मान लिया उसने नहीं तो फिर और है और मारता उन्हें पूरा तबाह तारास कर दिया यूक्रेन को सुधरने के लिए भी पचास साल लगते कितने साल पचास साल लगेंगे वैसे हाल करके रख दिए वहां तो बहरीह हमको अफसोस भी है भाई क्योंकि वहां पे जो जाने जा रहे हैं वो जाने नहीं जाना चाहिए हम उसकी मुखालिफत करते हैं और इन्हों भी बहुत टुड़े थे गोदी मीडिया वो मीडिया उने गया उसकी सुनते, के सुनते, हाँ? फेकु की सुनते फेकु को बीच में ले रहे मसला हल करने के लिए क्या वो हाल हो गया क्या हुआ रुक गई बम्बारी क्या हुआ रुक गई जंग नहीं तुम सिर्फ जुमलाबाजी में और धुलाने में मसरूफ रहो तुम्हारा बस चला तो उसका पिछवाड़ भी धुलाते तुम वो गंदा बीजे ये आतंकी मीडिया ये नसरे हरा मीडिया ये गोदी मीडिया आधा तो ये हमारे देश को तबाह बर्बाद करिए आधा वो लोग खा लिए आधा ये लोग खा लिए इन्हों आतंक के अलावा कुछ नहीं दे रहे आप देखिए कश्मीर के ऊपर मैं समझता हूं पचास करोड़ के ऊपर फिल्म देख ली वे जबकि वो फिल्म इतनी गलत बनी इतनी गलत बनी वहां पे कोई पंडितों के ऊपर कोई पुजारियों के ऊपर रहवा जो बताया जा रहा वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हुई हाय अगर चाहे तो साबित करो फिल्म में छूट एक अलग ही दिखाया जा रहा है जबकि वहां पे वो टाइम पे आतंकियों ने बराबर मारे होंगे आतंक का कोई मजहब नहीं होता ये बात हम कल भी बोले आज भी बोल रहे हैं और हमेशा बोलेंगे इनशाला मरे दम तक बोलेंगे और वहां पे सिर्फ ये लोग नहीं मुसलमानों के भी काफी घरे उजड़े मासूम जाने गए समझे और ये पंडितों को ये स्वामियों को ये पुजारनियों को लेके जाके मुसलमान अपने घर में पना दिए अपने घर में रख के उनकी जान बचाई उनको खाने से पीने से हर चीज से मदद की गई लेकिन फिल्म में क्या बताया जा रहा वही हराम के बच्चे ये गुजरात में जिस तरीके से जिंदा जलाए गए जिंदा जलाए गए रहे हैं हमारे मुसलमानों को मासूम बच्चों को अरे भाई पेट हमल से ऐसो औरत के पेट को काट कर मासूम बच्चे को निकालकर तलवार से दो टुकड़े किए गए ऐसे कई और ऐसे माए थे हमारी बहनें थे उनको जिंदा जलाया गया अभी तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी गोदरा के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी समझे तो बहरहाल इनका काम है किसी तरीके से अनभक्तों को खुश करना और गंदगी फैलाना जो फैला रहे हैं लोग एक टाइम से लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती जिस दिन ये अगरचे बरसेगी इतनी बारिश होगी इतनी बारिश होगी तबाह ताराज हो जाएंगे तुम लोग इसीलिए ये जो गन है तुम लोग जो मुसलमानों के नाम को लेकर इस्लाम के नाम को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों को बताया जा रहा ये बहुत गलत है करे तुम और नाम मुसलमान का तुम आतंक मचाते तो चर्चे नहीं होते तुम बलात्कारी करते तो बात नहीं होती तुम माप लिंचिंग करते तो उसके ऊपर बात नहीं होती तो महंगाई से, से मर रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं होती लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं होती लोग महंगाई से मर रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं होती देशवासियों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है रहने के लिए घर नहीं है खाने के लिए खाना नहीं है फिर भी तुम इसकी चर्चा नहीं करते इसके ऊपर बात नहीं करते तुम छूटे छूटे फिल्में बनाकर अनभक्तों को खुश करते हैं जबकि हाल हकीकत कुछ और है जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं तो बहरल के मेरे भाइयों नमाज़ों की पाबंदी करो और सारे मिलजुल के रहो मुनज़म रहो मुतहद रहो अपने शफों में इतह बरकरार रखो नमाज़ों की पाबंदी करो माँ बाप की खिदत करो बड़ों के अकाम पर अमल करो असल